Series. Let us now start with the topic. Alphabet series क्या था बेटा? क्या है? क्या करना है इसमें? क्या कौन सी चिड़िया का नाम है? इस चिड़िया का नाम है, यहाँ पे हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में. क्या होता है इसमें सर, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहले तो भाई देखो, कहीं पे भी चालू करो, कुछ भी चालू करो, ABCD का नाम जरूर रखना, याद रखना. जैसे कि हम कोई भी काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं ना, मेंटल एबिलिटी का कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले ABCD जरूर पढ़ लेना, ठीक है? ABCD पढ़ लिया, अब आगे बढ़ो. अब देखो इसमें होता क्या है. यहाँ पे एक चीज और है. एबीसीडी को हमने एक दूसरे तरीके से लिखा था. एक बार इन लोगों ने और क्या किया, एबीसीडी को इन लोगों ने दूसरे तरीके से लिख दिया. देखो इन्होंने क्या किया, जेड की पोजीशन इन्होंने 1 कर दी, वाई की पोजीशन 2 कर दी, एक्स की पोजीशन 3 कर दी. सिमिलरली ए की पोजीशन 26 हो गई. बट दिस सीरीज, आई थिंक द सीरीज दैट आई टोल्ड यू वाज ए बेटर वन. अगर मैं उस तरीके से, हमें ये पता चला था कि अगर मैं ए पोजीशन ऑफ ए एंड पोजीशन ऑफ जेड दोनों की पोजीशंस का जो सम होता है, दैट इज 27. We saw a question in which M was coded as N. M was coded as N. That means the sum of their positions was 27. अगर कहीं पे भी कोई भी कोडिंग आपको मिले जहां पे the code for M is N, अगर ऐसा मिलता है तो एक बार जरूर ट्राई करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी positions, कोड वर्ड और कोड के बीच के जो पोजीशंस का सम है, डेट इज कमिंग आउट टू बी 27. एक बार इस चीज को ट्राई जरूर कर लेना. वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू में सबसे पहला जो सवाल डिस्कस किया था, उसमें यही चीज थी कि M was coded as N और N was coded as M, I don't remember. तो वहां पे क्या हुआ था कि the sum of the positions was 27. तो इस चीज का एक बार जरूर ध्यान रखना, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, सवालों की तरफ बढ़ते हैं. सर सवाल क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? यहाँ पे जैसा नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज जो अपन ने किया था कि नंबर्स दिए होंगे और हमें बताना है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए होंगे और आपको मुझे अल्फाबेट बताना होगा. अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो. ए के बाद बी आता है, बी को छोड़ दिया, सी लिखा, सी के बाद डी और ई आता है, डी ई एफ आता है, तीन लेटर्स छोड़े हैं, फिर जी आया, जी के बाद एच को छोड़ा, फिर आई आया. इसका मतलब सी और जी के बीच में एक ऐसा लेटर इन लोगों ने सेलेक्ट किया होगा. माय क्वेश्चन मार्क विल बी सच ए लेटर सच दैट द लेटर्स बिटवीन सी एंड क्वेश्चन मार्क इज 1 एंड द लेटर बिटवीन क्वेश्चन मार्क एंड जी इज ऑल्सो 1. सो माई डियर फ्रेंड, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर A, that is E will be the correct answer of this question. Right. Now let us come to the next question. VTR question mark N question mark. Chaliye bataiye. Option D PL. Bhai theek hai. Main aap logo ki baat ko kaise mana kar sakta hu. T ke baad U, U ke baad V, R, R ke. Dekho yahan pe kya ho raha hai. R, R के बाद S, S को हटा दो, T के बाद U, U को हटा दो, फिर मिला V. अब V के पहले की बात करते हैं, यहां पे होगा N, N के बाद O, O के बाद P, O को हटा दिया, P के बाद Q, तो P को हटा दिया, तो my answer will be P and L, that is option number D will be my correct answer. Option number D will be my correct answer. Let us now move further. Question number 3. क्या आया भाई आंसर? ऑप्शन नंबर बी जे. ए के बाद इन्होंने क्या किया सर, बी हटा दिया, सी. सी के बाद इन्होंने क्या किया सर, डी और ई हटा दिया, मुझे मिला एफ. एफ के बाद इन्होंने क्या किया सर, जी एच आई को हटा दिया, मुझे मिला जे. और जे के बाद फिर इन्होंने क्या किया, एल एम एन को हटा दिया, एल एम एन ओ को हटा दिया, के एल एम एन, सॉरी सॉरी सर, आई जस्ट फॉरगॉट दिस ऑल्सो, के एल एम
KLMN को हटा दिया, then I got answer as O. So my answer will be J. Okay. So next question. Pardon, आपने कुछ बोला क्या? सर मैं बोल रही हूँ next question का answer बताऊँ. हाँ next question का answer. May I वाले का क्या नाम है? सर युग पटेल. युग पटेल बताइए युग. सर इसका आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि अगर हम देखें तो सीरीज में डीसी मतलब डी के आगे का और उसके बाद डी के बाद का और उसके बाद जब एफ लिया तो एफ के आगे का लिया मतलब एफ के बाद और उसके बाद जी आ रहा है तो एफ जी यानी कि आंसर बी. वेरी गुड. ठीक है वेरी गुड. तो द कृष्णा यू वांट टू टेल समथिंग? नो सर आई वाज टेलिंग द ऑप्शन इज बी ओनली. ऑप्शन इज बी ओनली. कोई और जो कि कुछ और कहना चाहता हो जिसके पास कोई और लॉजिक हो? ओके सर जैसे कि सर जो बड़ा लेटर है सर उसको हमने हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें पहले रखा हुआ है सर. इस ऑप्शन में भी एफ जी किया हुआ है लेकिन सर अगर हम देखें डीसी और डी सर उसमें ई बड़ा ई मतलब ई की प्लेस वैल्यू बड़ी है लेकिन सर फिर भी डी को पहले रखा हुआ सर ऐसा क्यों? तो सर मतलब क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं है? नहीं नहीं ये कोडिंग है यार, ये कोडिंग है, ये कोडिंग में इतना नहीं सोचते हैं, कोडिंग में इतना मत सोचो. यहाँ पे बस ऐसे देखो कि सर, भाई तो फिर जीएफ नहीं हो सकता आंसर? जीएफ नहीं होगा आंसर. इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि द लेटर डी इज बीइंग जो पहला लेटर है. सी दिस इज ए पेयर ऑफ लेटर्स, दिस इज ए पेयर, दिस इज ए पेयर, दिस इज ए पेयर. हर पेयर में जो पहला लेटर है वो दो बार रिपीट हो रहा है, डी डी एफ एफ एच एच. फिर उसके बाद जो दूसरा लेटर है. हाँ सर समझ गया. समझ गया ना. चलो नेक्स्ट. चलिए इसमें बताइए. चलिए इसमें बताइए. सर बी ऑप्शन. बी ऑप्शन एस वाई एच. एस वाई एच सर बी ऑप्शन. अच्छा जी एस वाई एच. हाँ क्या बोले बेटा? प्लस थ्री करके चलते जाओ. सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ क्यू आर एम एन ओ पी क्यू आर के बाद मिला मुझे एस. अब एस से स्टार्ट होने वाले तीन ऑप्शंस हैं, तो तीन ऑप्शंस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. और किसी एक आपको आगे भी ट्राई करना पड़ेगा. सब में आपको प्लस थ्री करते जाओ तो यू विल गेट हियर. The last word will be H. D D के बाद जो last word होगा वो H होगा. So my dear friend, the correct answer of this question will be S Y H. Next question number 6. Sir, option number A. Sir, option number D U double Z. Option number A. Option. Option number A or option number D. दोनों में clash हो रहा है भाई. सर ए होगा. अच्छा ठीक है. एस टी यू वी डब्ल्यू ए बी सी डी जेड ए बी सी डी -1 +1 -1 +1. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7th. Question number 7th. फंस गए ओबामा लगता है इसमें. सर डी ऑप्शन QZK. ऑप्शन नंबर डी QZK. मुझे तो लगा कि फंस गए आप लोग.
सर ऑप्शन नंबर डी क्यूज़ेड। कितने का डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? सेवन सेवन का डिफरेंस है। सी नॉर्मली इसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होता है दैट इज इधर द डिफरेंस बिटवीन द लेटर्स इज सेम, ठीक है, सो द सेवन सेवन का डिफरेंस है, सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े सर, इसमें डिफरेंस सेवन था ना? हाँ बेटा, नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग टर्म। नाउ दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भाई, मुझसे ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होते थे व्हेन आई वाज ऑफ योर सर। एचपी बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ई एफ जी एच तो आ रहा यहां से तो ठीक ही है, एम ओ पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, एच टी की जगह एस होना चाहिए था, तो माई आंसर विल बी एच टी वाई। आप लोग को जितना डराओ आप लोग डरते नहीं हो। हाँ मुझे तो लगा था कि मैंने बोला कि क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप लोग थोड़ा टाइम लोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सर, एनटीए, एनटीए ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, वाई ऑप्शन नंबर सी। एनटीए सर, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है हर नंबर, ई सी के बाद टी आया, ई एफ जी के बाद एच आया, आई जे के एल के बाद एम आना चाहिए था, एम आना चाहिए था, यहाँ पे एन है, गलत हो गया, रॉन्ग मार्क करो और आगे बढ़ो। क्या बोला मैंने फिर से सुनो, ए और डी के बीच में देयर आर टू लेटर्स स्किप्ड और देयर इज अ डिफरेंस ऑफ थ्री लेटर्स। देखो दोनों वर्ड्स जो दोनों लाइंस मैंने बोला, दोनों लाइंस में, एक मिनट बेटा, हाँ आई विल कम टू यू, दोनों लाइन में एक डिफरेंस होता है। एक लाइन मैंने बोली टू लेटर स्किप्ड और एक लाइन मैंने बोला डिफरेंस ऑफ थ्री लेटर्स या हाँ डिफरेंस ऑफ थ्री लेटर्स। दोनों चीजें सेम है। अगर मैं बोलू ए और डी के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ थ्री लेटर्स तो यस इट इज करेक्ट, और अगर मैं ये बोलूं कि देयर आर टू लेटर्स स्किप्ड बिटवीन ए एंड डी सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज यहाँ पे बी और सी नहीं है। सो मतलब बोलने का स्टाइल वही है, चीजें बस थोड़ी सी अलग है और कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपके पास कोई दूसरा लॉजिक है बताइए। हाँ सर, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड सर इक्वल है सर, जैसे कि एबीसी में एक भी लेटर स्किप्ड नहीं है सर, डी जी जे में वैसे ही सर सेम है सर, दो दो लेटर बीच में। ठीक है, लेकिन सर एनटीए में वैसा नहीं है सर, एनटीए में 5 लेटर स्किप्ड और टी और ए सर 5 से ज्यादा है। ठीक है, अगर सर एनटी वाई होता तो वो सही होता। ठीक है, ओके कूल। अब मैं सिंस द टाइम इज ऑलमोस्ट डन, सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। नाउ बिफोर मूविंग अहेड,